करौली सरकार का सीक्रेट प्लान उजागर, विदेशी बहू और एमबीबीएस बेटे की मदद से विदेश भागने की तैयारी, भक्तों ने फंडिंग कर दी शुरू। हिंदुस्तान के बाद अब विदेश में आश्रम खोलने की तैयारी, करौली सरकार का प्लान जानकर हैरान रह जाएंगे आप। करौली सरकार ने कर्मचारियों से छीन लिए फोन और लगा दी ये पाबंदी, नेता अभिनेता सबसे है इनका नाता, आश्रम में प्रवचन और फिल्म की शूटिंग सब होता है। मीडिया पर पाबंदी और कर्मचारियों के नाम तुगलकी फरमान, पालन नहीं हुआ तो एक्शन का प्लान, विदेश जाने से पहले करौली सरकार हुए चौकन्ने। अब विदेश में करौली बाबा देंगे साम्राज्य को विस्तार, फंडिंग का काम तेज, भक्तों को एकजुट करने की तैयारी। पिछले कुछ दिनों से गदर मचाए करौली सरकार का नाम आपको याद ही होगा। बाबा जी इस कदर सुर्खियों में छाए कि हर कोई इनके बारे में जानने के लिए आतुर है। कुछ विवाद उठ रहे हैं तो कुछ सवाल उठ रहे हैं, और इसी बीच कानपुर के करौली सरकार अब विदेश पलायन करने की तैयारी में लगे हैं। इस बीच बाबा जी ने अपने आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए और मीडिया में किसी भी तरह की जानकारी साझा न करने का फरमान भी जारी कर दिया। इधर विदेश जाने की तैयारी में लगे बाबा जी के फॉलोअर्स ने फंडिंग का भी इंतजाम तेज कर दिया है। पहली पत्नी को बदकिस्मत बताकर छोड़ने वाले करौली सरकार का बेटा, जिसकी पत्नी विदेशी वाला है, उसी विदेशी बहू के परिवार वालों की मदद से करौली सरकार अब विदेश में अपना अड्डा जमाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए भारतीय मूल के लोगों को एकजुट किया जा रहा है। दरअसल कानपुर में करौली सरकार अपने झाड़फूंक और हवन से विदेशी भक्तों का भी अब उपचार करने का प्लान बना रहे हैं। जब से ये खुलासा हुआ है तब से सनसनी का माहौल है। करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया विदेशों में भी आश्रम खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। कहा जा रहा है कि बाबा जमीन खरीद कर विदेश में विदेशी भक्तों की बाधाओं को दूर करेंगे। बताया जा रहा है कि बाबा के बड़े बेटे लव की ससुराल लंदन में है। विदेश में आश्रम की आड़ में बाबा अपना नया अड्डा बनाने की फिराक में है। इसके लिए फंडिंग भी शुरू हो गई है। सनातनी बाबा की बहू विदेशी है। करौली सरकार बाबा के बड़े बेटे ने MBBS की पढ़ाई के दौरान भारतीय मूल की विदेशी युवती से लव मैरिज की थी। युवती जन्म से परिवार के साथ लंदन में रह रही थी। करौली सरकार अपने बेटे के ससुरालियों की मदद से लंदन में कानपुर के लवकुश आश्रम से भी बड़ा आश्रम खोलने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूट्यूब के माध्यम से विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों की तरफ से विदेशों में आश्रम खोलने का आग्रह किया जा रहा है। करौली सरकार बाबा उर्फ संतोष भदौरिया के जीवन की बात की जाए तो उन्होंने दो शादियां की हैं। पहली शादी रेल बाजार में रहने वाली रेनू सिंह से हुई थी। आर्थिक तंगी से परेशान संतोष सिंह भदौरिया ने अपनी पहली पत्नी को बदकिस्मत बताकर छोड़ दिया था। इसके बाद संतोष सिंह भदौरिया ने दूसरी शादी कानपुर के कल्याणपुर में रहने वाली ममता तिवारी से की थी। ममता तिवारी से संतोष सिंह के दो बेटे हुए, लव और कुश। बाबा ने अपने बेटों के नाम पर बेधून के करौली गाँव में 14 एकड़ की जमीन पर लव कुश आश्रम बनाया था, जो अब सुर्खियों में है। करौली सरकार ने शनिवार को आश्रम में नया फरमान जारी कर दिया। आश्रम में तैनात लगभग 250 कर्मचारियों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही सख्त चेतावनी जारी की गई कि आश्रम का कोई भी शख्स मीडिया कर्मियों से बात नहीं करेगा। लवकुश आश्रम के अंदर की खबरें बाहर लीक हो रही थी, जिससे बाबा नाराज थे। इसके साथ ही बाबा ने मीडिया कर्मियों से बात करने से इनकार कर दिया है। करौली सरकार के आश्रम में भी बॉलीवुड का तड़का लग चुका है। बीते 26 जनवरी को करौली सरकार के आश्रम में बॉलीवुड स्टार गोविंदा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। गोविंदा ने बाबा के पैर छूकर उनको नमन किया था। इसके साथ ही बाबा की खूब तारीफ भी की थी। वहीं जानकारी के मुताबिक बाबा के आश्रम में भोजपुरी मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है। लेकिन अब बाबा का सपना विदेश में जाकर भक्तों के बीच अपनी पैठ बनाना है, और इसके लिए आश्रम बनाने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। जमीन तलाश की जा रही है और भारतीय मूल के भक्तों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। बाबा से जुड़े सूत्रों की माने तो जल्द ही काम शुरू हो सकता है और बाबा जी विदेश के लिए टेक ऑफ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।